Hey guys, welcome back to my channel. If you're new, hi, I am Mona. So guys, in today's video, मैं आपके साथ share करूंगी affordable beginners makeup kit. अगर आपको makeup आता है, beginner नहीं है, तब भी आप ये products use कर सकते हैं. काफी अच्छी quality के हैं और काफी affordable हैं. So guys, ये जो look मैंने आज create किया है, मैंने इसी kit के साथ create किया. So guys, before I start my video, please don't forget to like, share and subscribe. So let's just move on to the video. पहले फेस की बात कर लेते हैं. फेस के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. विद द लिंक आप डायरेक्टली जाके उनको परचेज कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग गाइस, मैंने सभी प्रोडक्ट्स सेल पे लिए हैं. आप चाहें तो अपनी विश लिस्ट अभी बनाकर रख सकते हैं. इन फ्यूचर जब कभी भी सेल आए आप तब परचेज कर सकते हैं. जो पहला प्रोडक्ट है वो है सीटापिल फेस मॉइस्चराइजर. ये अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन है. ये नॉर्मल भी आता है. अगर आपकी स्किन ड्राई और अल्ट्रा ड्राई स्किन है, प्लीज इसको एक बार ट्राई करें. अगर आप इस प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करेंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट इसके बाद दोबारा यूज नहीं करेंगे. ये आपको 24 आवर्स के मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है और ये सच्ची में करता है. और इतना टाइनी सा मटर का दाना होता है ना, उसका भी हाफ इसको आप अप्लाई करेंगे और वो मोर देन इनफ होगा. और इसका जो प्राइस है वो 435 का है और आई गेस मुझे डिस्काउंट पर 350 या 300 का पड़ा था. गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है लैक्मे एब्सोल्यूट मूज फाउंडेशन. अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर आप उनमें से जिनको ज्यादा मेकअप पसंद नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का मेकअप पसंद है, प्लीज इसको जरूर ट्राई करें. बिल्कुल ही वेटलेस है. इसका नाम भी वेटलेस फाउंडेशन ही है. सच्ची में आप इसको लगाएंगे और बेस्ट पार्ट इसकी ये है, हाथों से ही ब्लेंड होता है. इसको ब्लेंड करने के लिए आपको किसी ब्रश की जरूरत नहीं है, किसी ब्लेंडर की जरूरत नहीं है. आपको हाफ कवरेज ही प्रोवाइड करता है. अगर आपको फुल कवरेज चाहिए, एक लेयर और लगाइए यू गुड टू गो. और गाइज, ये SPF 8 के साथ आता है, जो बहुत ही अच्छी इसकी बात है. एंड प्लस मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसकी क्यूट सी पैकेजिंग है. और जो मेरा शेड है वो है आईवरी फेयर. आप अपने शेड के अकॉर्डिंग इसको परचेज कर सकते हैं. और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, वेफर आते थे ऑरेंज कलर के, कुछ कुछ उसकी जैसी है. और मैं इसका फॉर्मूला आपको दिखा देती हूँ. आप इसको लगाइए और ये ब्लेंड हो गया. सो गाइस, इसका जो प्राइस है वो 830 के अराउंड है, 830 या 850 के अराउंड है. और ये डिस्काउंट पे मुझे 555 का पड़ा है. ये मैंने नायका से ऑर्डर किया था. एंड मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी लास्ट वीक पर्पल पर वुमेन्स डे सेल लगी हुई थी, तो मैंने काफी ज्यादा प्रोडक्ट उसी से बाय करने थे. मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स कार्ट में एड किए हुए थे एंड अनलकीली ये जो फाउंडेशन है ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया. तो आई वॉज लाइक चलो नायका से इसको ऑर्डर कर लूंगी. तो मैंने नायका पे जाके देखा, ये नायका पे 555 का था और ये पर्पल पे आफ्टर सेल ये 650 के अराउंड था. तो मेरे जितने सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने कार्ड में ऐड किए थे, मैंने सबके प्राइस टैली किए इंडिविजुअली और उसमें से लगभग 90% प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मुझे नायका पे ज्यादा सस्ते मिल रहे थे एज कम्पेयर टू पर्पल. तो ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन केस अगर आपको कोई बताता है कि वहां सेल है यहाँ सेल है, तो प्लीज एक बार टैली कर ले दोनों के प्राइस को, तभी बाय करें. थर्ड प्रोडक्ट है वो है ये स्विस ब्यूटी बेकिंग हाइलाइटर. ये हाइलाइटर भी है, ये एज अ ब्लशर भी आपका काम करेगा, क्योंकि इसकी जो शेड्स हैं वो थोड़े पिंकी टोन में हैं. एज यू कैन सी, बहुत ही अफोर्डेबल और प्यारा हाइलाइटर है. आप चाहे तो पर्टिकुलर कोई एक शेड भी पिक कर सकते हैं, चाहे तो आप सबको मिक्स करके भी इसको लगा सकते हैं. आज जो हाइलाइटर लगाया हुआ है मैंने, यही हाइलाइटर लगाया हुआ है. यू कैन सी दैट ग्लो इन माय फेस, थोड़ा पिंकिश टोन में, तो आपको ब्लशर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ग्लोई ब्लश आपको मिल जाएगा जो काफी अच्छा है. इसमें और भी शेड अवेलेबल है, आप चाहे तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी शेड पिक कर सकते हैं. और इसका प्राइस अराउंड 300 था, आई गेस 299, सॉरी इसका प्राइस 349 था और ये मुझे डिस्काउंट पे 250 के अराउंड पड़ा था, जो काफी अच्छी डील है. एंड प्लस इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है. स्विस ब्यूटी का नहीं, अगर आपको हाईलाइटर बाय करना है तब आप दूसरा हाईलाइटर बाय कर सकते हैं, वो है वेट एंड वाइल्ड. ये भी बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है, बट ये 500 के अराउंड था. तो ये मैंने शायद अमेजोन से लिया था, ये मुझे अराउंड 350 के अराउंड पड़ा था. सो गाइस, जो नेक्स्ट चीज है वो है कंसीलर. ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर. ये अराउंड 200 का था और ये डिस्काउंट पे मुझे 180 या 190 का पड़ा था. इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी है, बहुत ही इजिली ब्लेंड हो जाता है. अगर आप एक अफोर्डेबल कंसीलर चाहते हैं तो आप इसको जरूर बाय कर सकते हैं. मैं बात कर रही हूँ अब कॉम्पैक्ट पाउडर की, स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है.
आपको अपना बेस जो है वो सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो ऑयल है वो आपके फाउंडेशन से मिलकर सो ऑक्सीडाइज ना करे या केकी ना करे। उसके लिए मैं जो आपको रेकमेंड करूंगी वो लोरियल का मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर आपको सजेस्ट करूंगी। काफी अच्छा फाउंडेशन है, ये पुराना ही है, ये मैंने अभी नया नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था तो मुझे लेकर वेस्ट नहीं करना था। ये काफी अच्छा है, आप इसको खरीद सकते हैं। ये भी अराउंड 300 का था, अगर आप इसको सेल पे लेंगे तो आपको ये इजीली 150-200 का पड़ जाएगा। इस ब्यूटी से 3 आईलाइनर्स मंगवाए हैं, वो हैं ब्लू, ब्लैक एंड ग्रे। हर एक लड़की के पास ये तीनों कलर के आईलाइनर होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कुछ होता है जैसे कि हम लेट हो रहे हैं या फिर टाइम नहीं है मेकअप करने का, अगर आपने ग्रीन आउटफिट पहनी है या ब्लू आउटफिट पहनी है, बस ब्लू आईलाइनर लगाई या ग्रीन लगाई, गुड टू गो। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। एंड प्लस एज आई सेड, दिस इज अ बिगनर मेकअप किट। अगर आप बिगनर हैं तो लिक्विड आईलाइनर आपको लगाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। ये तो स्केच के फॉर्म में आते हैं, ये दोनों पेंसिल की फॉर्म में है, ब्लू एंड ग्रीन। जो ब्लैक है वो स्केच की फॉर्म में है, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका जो आगे ब्रश है वो आप देख सकते हैं कितना पॉइंटेड है, इससे आप इजिली अपना विंग क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी पिगमेंटेशन देखिए कितनी अच्छी है। ये तीनों स्विस ब्यूटी के हैं और ये तीनों 229 या 299 के अराउंड के हैं, और ये मुझे डिस्काउंट पे 200 ईच पड़ा था। ये है ग्रीन आईलाइनर, ये पेंसिल फॉर्म में है और इसके लिए आपको शॉर्पनर की जरूरत पड़ेगी। इसका फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना क्रीमी फॉर्मूला है, कितने इजीली लग जाता है। जो आंखों के नीचे मैंने लगाया है यही वो शेड है जो मैंने लगाया हुआ है, बहुत ही प्यारा शेड है। ये जो तीसरा लाइनर है वो है ब्लू, ये रॉयल ब्लू, ये भी पेंसिल के फॉर्म में है, इसके लिए भी आपको शॉर्पनर की जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। और ये भी सेम फॉर्मूले के साथ है जो ग्रीन वाला है, इतना क्रीमी फॉर्मूला है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ईजिली लग जाता है। और ये भी सेम ही प्राइस का था, शायद मुझे 250 या 200 के अराउंड पड़ा था, एंड काफी अच्छा है। इस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है दो काजल, जो हर लड़की के पास होने चाहिए, मे बी होंगे भी। सो गाइस, फर्स्ट इज दिस व्हाइट काजल, ये है वेट एंड वाइल्ड का, ये अराउंड 150 या 200 का था और ये मुझे डिस्काउंट पर 130 के अराउंड पड़ा था। जो दूसरा है वो है मेबेलिन कोलोसल काजल इन अ कलर ब्लैक, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप मेबेलिन का ही लें। काफी ज्यादा अफोर्डेबल काजल्स और भी हैं, बट पर्सनली मुझे मेबेलिन का ही पसंद है, मैंने सारे ऑलमोस्ट यूज किए हुए हैं। ये जल्दी से स्मज नहीं होता है, अगर आप इसे कंपेयर करें लैक्मे के साथ, लैक्मे का जो काजल है उसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा क्रीम फॉर्मूला है, इसका थोड़ा ड्राई फॉर्मूला है, जिसकी वजह से वो ज्यादा जल्दी स्मज होता है, ये नहीं होता है। और ये जो काजल है ये भी 180 के अराउंड का है, बड़े डिस्काउंट पे मुझे 130 का पड़ा था। काजल के बाद मैंने जो लिया है वो है मेबेलिन कोलोसल मस्कारा, बहुत ही प्यारा अफोर्डेबल मस्कारा है। आप इसको लगाएंगे ना, इसको लगाते ही आप दोनों आंखों में इजीली फर्क देख सकते हैं, इतना ही आपकी आंखों को लिफ्ट कर देता है और वॉल्यूम प्रोवाइड कर देता है। तो नेक्स्ट चीज आती है वो है हमारी आईब्रोज, आईब्रो पेंसिल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हम इसको स्किप कर देते हैं, बट जिस दिन आप इसको करना शुरू करेंगे आपको खुद फील होएगा कि कितना आपके फेस में चेंजेस ला देते हैं। जो मैं अभी करंटली जो मैं आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ वो है मिस क्लेयर की वाटरप्रूफ आईब्रो पेंसिल। ये पेंसिल अराउंड मुझे 80 या 100 की पड़ी थी और बहुत ही अच्छी और रीजनेबल पेंसिल है। ये जो शेड है ये डार्क ब्राउन शेड है, आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं, मैं हाईली इसको रेकमेंड करती हूँ, काफी अच्छी और अफोर्डेबल पेंसिल है। जो नेक्स्ट है वो है आई शेडो पैलेट, अगर आप बिगनर हैं प्लीज किसी भी महंगी जो आई शेडो पैलेट है उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, आप अपना टाइम और अपने मनी दोनों वेस्ट करेंगे। तो मैं आपको जो अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट रेकमेंड करूंगी वो है वेट एंड वाइल्ड की, ये मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैंने नहीं खरीदी है। ये और भी बहुत शेड्स में आती है, मेरे पास जो शेड है वो ये वाले शेड्स है, काफी वर्सेटाइल शेड्स है, उसे काफी ज्यादा ड्रामेटिक और सिंपल लुक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती हैं और काफी अफोर्डेबल है। शायद ये जो पैलेट है ये 500 की थी, बट उस टाइम ये डिस्काउंट पे मुझे 250 की पड़ी थी। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेबेलिन सुपर स्टे मैट इंक लिपस्टिक्स, वैसे इसका एक प्राइस जो है लिपस्टिक का वो 650 है, बट ये मुझे सेल पर 455 की पड़ी है। एक्चुअली सिर्फ ये ही दो लिपस्टिक्स हैं जो मैं पर्पल से मंगवा पाई हूँ, क्योंकि ये उस टाइम मुझे नायका से महंगी पड़ रही थी, कहाँ मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स पर्पल से ही मंगवा रही थी, बट फिर मैंने सारे नायका से मंगवा कर सिर्फ ये दो लिपस्टिक्स वहां से मंगवाई हैं। फॉर्मूला है काफी अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, आप चाहे खाना खाइए चाहे ड्रिंक पीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक या पानी पीजिए, कुछ भी करिए, कहीं पे नहीं जाने वाली है अनटिल अनलेस यू डोंट यूज एनी मेकअप रिमूवर। इनकी स्टेइंग पावर बहुत अच्छी है,
यू कैन डेफिनेटली बाय देम. एंड पर्टिकुलरली दिस शेड, ये शेड मैं आपको पक्का रेकमेंड करूंगी. ये है आर्टिस्ट 120 मस्ट हैव पिंक कलर. ये ही मैंने अभी लगाया हुआ है, आप इसको जरूर ट्राई करें. सो गाइज, नेक्स्ट इज मेकअप ब्रशेज. चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप मीडियोकर हो, चाहे प्रोफेशनल हो, ब्रशेज के बिना आपका मेकअप नहीं हो सकता है. ये जो मेकअप सेट है ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है. ये 700 का है. ये मुझे किसी भी डिस्काउंट पे नहीं पड़ा है, ये मुझे 700 का ही पड़ा है. और आई थिंक अगर ये 1200-1000 का भी देते तभी मैं ले लेती. इतनी अच्छी क्वालिटी है और इतने सारे ब्रशेज मुझे मिले हैं. मैं डेमो के लिए आपको ब्रशेज दिखा देती हूँ. स्पेशली ये आई ब्रशेज, 3 आई ब्रशेज हैं जो मेरे करंट फेवरेट ब्रशेज हैं. आप देख सकते हैं कितने फ्लफी हैं और इनके जो ब्रिसेज हैं बहुत सॉफ्ट हैं. और ये वाला जो ब्रश है स्पेशली ये काफी डेंस है और इससे आप अपना इजीली स्मोकी आई क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपने आउटर वी पे अगर आपको कलर डिपॉजिट करना है कुछ भी कर सकते हैं. और दूसरा फेस ब्रशेज की अगर हम बात करें, ये 3 ब्रशेज आप देख सकते हैं कितने फ्लफी हैं और सभी ब्रशेज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं. इनके ब्रशेज बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं. इजीली आप अपना ब्लश अप्लाई कर सकते हैं. अगर सॉफ्ट आपको थोड़ा सटल सा ग्लो चाहिए तो आ आप इसको डैप करके हाईलाइटर में तब भी इसको एज अ हाईलाइटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. दूसरा ये ब्रश देखिए, अगर आप लूज पाउडर यूज करते हैं तो आप उसको डस्ट ऑफ करने के लिए इजीली इसको यूज कर सकते हैं. तो ये ब्रशेस काफी अच्छे हैं. ये नहीं, और भी बहुत सारे ब्रशेस मुझे इसके साथ मिले हैं और काफी अच्छा इनका मुझे प्राइस लगा. सीरियसली अगर ये 1000 के भी अगर ये बेचें तो इजीली बिक जाएंगे, इतने अच्छे ब्रशेस हैं. हाईली 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 रिकमेंडेड ब्रशेज हैं, इसको जरूर ट्राई करें. गाइज अगर आप इतना मेकअप कर रहे हैं उसको उतारना भी बहुत जरूरी है. काफी लड़कियां क्या करती हैं, सिर्फ फेस वॉश कर लेती है और खुश हो जाती है, मेरा मेकअप चला गया. ऐसा नहीं है. जो मेकअप होता है स्पेशली जो वाटरप्रूफ मेकअप होता है, कुछ पार्टिकल्स आपकी स्किन में रह जाते हैं जो आप उनको मुंह धोने के बाद सोचते हो कि वो चले गए हैं. ऐसा नहीं है. उसके बाद अगर वो आपकी स्किन में रह रहे हैं वो धीरे धीरे आपकी स्किन को डैमेज ही करते हैं. गार्नियर का मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, काफी अच्छा, बहुत अफोर्डेबल है. ये छोटा पैक आप पहले ट्राई कर सकते हैं. ये अराउंड 199 का था, ये डिस्काउंट पे मुझे 180 का पड़ा है शायद. सो गाइज, आई एम डन विद माय दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड फाउंड इट जेन्युइन एंड यूजफुल. इफ यू डिड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप. एंड गाइज अगर आप में से किसी की स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, ऑयली है या अलग स्किन टाइप है और आप ज्यादा ही कॉन्शियस है अपने मेकअप किट को लेकर, आप मुझे कॉमेंट में जरूर बता सकते हैं. मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूंगी आपके मेकअप किट बनाने के लिए. So guys, I'll see you all in my next video. Thank you so much for coming and watching it. Please don't forget to like, share and subscribe.